हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज हम संस्कृत में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में एक टॉपिक उपपद विभक्ति। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, ये क्या टॉपिक है स्टूडेंट? ये उपपद, एक तो पद विभक्ति होती है कि हमने जैसा भी सेंटेंस देखा हमने उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर प्रथमा विभक्ति लगनी है या द्वितीया लगनी है या तृतीया लगनी है, हमने लगा दी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो शब्द आएगा हमें वाक्य में शब्द देखना है, उस शब्द के अकॉर्डिंग विभक्ति चेंज हो जाती है। तो वही नियम सिखा रहे हैं आपको उपपद विभक्ति के। तो इसका पहला नियम आपको हम आपको बताते हैं। देखिए पहला नियम है जहां उभयता का मतलब होता है दोनों ओर, और फिर आएगा परिता। परिता का मतलब होता है चारों ओर, फिर है आपका सर्वता। सर्वता का मतलब होता है सभी ओर। अगर ये वर्ड आए तो वहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति का यूज करेंगे। और एक वर्ड और है स्टूडेंट, अंतरेण। अंतरेण का मतलब होता है बिना। अगर ये शब्द आते हैं तो हमें कौन सी विभक्ति यूज करनी है? द्वितीय विभक्ति यूज करनी है। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। देखिए, गांव के दोनों ओर जल है। तो अब इसे जब मैं बनाऊंगी आपका, ये देखिए इसे मैंने बनाया, तो ग्रामम द्वितीय विभक्ति कह रहा है ना, वैसे इसमें प्रथमा आनी चाहिए थी लेकिन द्वितीय विभक्ति के लिए इसमें आएगी ग्रामम, क्योंकि बालक का रूप बालकम है तो ग्रामम आ गई। ग्रामम दोनों ओर की संस्कृत अभी मैंने आपको बताई थी उभयता, तो ये आ गई ग्रामम उभयता। जल की संस्कृत आ गई जलम, और है की संस्कृत आ गई अस्ति। ग्रामम उभयता जलम अस्ति। इसी तरीके से सर्वता का बन जाएगा, गांव के सभी ओर जले तो कुछ भी चेंज नहीं करना। ग्रामम यहाँ पे आ जाएगा सर्वता, यहाँ आ जाएगा जलम, और यहाँ आ जाएगा अस्ति। फिर है गांव के आपके चारों ओर जले तो ग्रामम परिता जलम अस्ति। इस तरीके से इन तीनों के सेंटेंस बन जाएंगे। अब अगला है अंतरेण। अंतरेण के लिए देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अंतरेण का कैसे बनाएंगे? पुस्तक के बिना वह नहीं पढ़ेगा। तो इसकी संस्कृत जो बनेगी वो बनेगी पुस्तकम अंतरेण सहा ना पठिष्यति। अंतरेण का मतलब बिना है ना, पुस्तक के बिना अंतरेण सा ना की नहीं हो गई, अब पढ़ेगा की हो गई पठिष्यति। तो ये आ गया अंतरेण, ये बिना के सेंस में आ गया। तो ये हो गया हमारा, जहाँ ये सारे वर्ड आएंगे हमें वहाँ पे यूज करनी है कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। सेकंड नियम पर जाते हैं हम अब, इसका सेकंड रूल। देखिए, सेकंड नियम है जहां सह तुल्य हीन अलम। सह माने साथ, तुल्य तुलना करने के सेंस में, हीन भी इसी सेंस में, अलम का मतलब यहाँ पे आता है आपका बिना, बिना के सेंस में आएगा ये अलम, बिना के सेंस में। इनका प्रयोग होता है
वहाँ पर हम कौन सी विभक्ति का यूज करते हैं? तो वहाँ पे हम यूज करेंगे आपकी तृतीय विभक्ति का यूज। देखिए, राम के साथ सीता है, तो राम के साथ, वैसे तो राम सिंगल है, एक वचन है, हमें प्रथमा विभक्ति यूज़ करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनका सेंस जब आया, ये सारे किसी भी शब्द में, वाक्य में इस्तेमाल हुए, तभी विभक्ति चेंज हो गई, तृतीय विभक्ति कह रहा है। तृतीय विभक्ति का जो राम का रूप है वो है रामेण, मतलब बालक का रूप बालकेन है, तो राम का हो गया रामेण। सात की संस्कृत हो गई सह, सीता की संस्कृत सीता ही रहेगी। अब यहाँ पे है के लिए वैसे तो अस्ति आता, लेकिन यहाँ पे चूंकि सीता भगवान के रूप में दिखाई है, राम के साथ हैं, तो यहाँ अस्ति यूज नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम यूज करेंगे विराजते। रामेण सह सीता विराजते, विराजते वर्ड आता है, ठीक है। ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान है, तो देखिए इसकी तृतीय विभक्ति क्या आएगी, ज्ञानेन, जब रामेण आई थी तो यहाँ ज्ञानेन बन जाएगी, हीन की हीन हीन ही रहेगा, ये आ रहा है ऊपर हीन। मनुष्य की संस्कृत आ जाएगी जना, पशु की आ जाएगी पशुनः, क्योंकि पशु के रूप से के आ गया पशुनः। समान की संस्कृत आ गई तुल्य, और है की संस्कृत आ गई अस्ति, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, ज्ञानेन हीन जना पशुना तुल्य अस्ति। इसमें देखिए दो दो यूज हो गए, हीन भी आ रहा है और तुल्य भी, कोई बात नहीं है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। फिर अलम के सेंस में, बिना के सेंस में, जैसे कि मैंने लिखा हंसो मत, इजी सा एग्जाम्पल है, तो हंसने की संस्कृत आ गई हसितेन, और मत की संस्कृत आ गई अलम। संस्कृत में यही अच्छी बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी संस्कृत पहले लिख देनी है, इसकी बाद में लिखनी है, जो भी वर्ड आप देख रहे हो उसकी संस्कृत लिखते चले जाओ, सेंटेंस पूरा आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपका देखिए सेकंड नियम हो गया स्टूडेंट। तीसरा नियम देखते हैं, थर्ड नियम हमारा ये है, हमारा कोई भी अंग में अगर विकार होता है, किसी भी अंग में, शरीर के हाथ में, पैर में, कान में, आँख में, कहीं भी कोई विकार होने पर हमें हमेशा तृतीय विभक्ति का यूज़ करना है, हमेशा तृतीय विभक्ति लानी है। जैसे राम आँख से काना है, राम आँख से काना है, तो इसकी जो संस्कृत बनेगी वो क्या बनेगी, रामः, भाई इसमें नहीं लगाएंगे यहाँ पे तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति से के सेंस में तृतीय इसमें आएगी ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें तृतीय लगाएंगे, तो एक ही आँख से तो काना है, तो क्या आ गई नेत्रेण, काना की संस्कृत क्या आ गई काणः, और है की संस्कृत क्या आ गई अस्ति, रामः नेत्रेण काणः अस्ति। वह अगला एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल देखना सही रहता है। वह कान से बह रहा है, तो इसकी बन जाएगी सहा, कान से की में आ जाएगी आपकी तृतीय विभक्ति कर्णः, कर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बहरा है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको। फोर्थ एग्जाम्पल पे जाते हैं, फोर्थ नियम है इसका ये, देखिए रुच, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, स्वाद मीन्स होता है स्वाद लगना, और दा का मतलब होता है देना। जहाँ ये तीनों सेंस यूज होंगे वहाँ हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, जहाँ ये तीनों यूज होंगे वहाँ हम यूज करेंगे चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, यानी कि बालक के रूप के अकॉर्डिंग चतुर्थी विभक्ति हो गई बालकाय, बालकाभ्याम, बालके भ्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बालक को दूध अच्छा लगता है,
तो ये बन जाएगी आपके बालक को, बाल काय, दूध दुग्धम, अच्छा लगने की हो गई रुचिकरम अस्ति। अब यहाँ पे रुचिकरम अस्ति भी हम लिख सकते हैं और एक एक ही शब्द में भी इसे लिख सकते हैं रोचते, रोचते वर्ड भी यूज हो सकता है और रुचिकरम अस्ति भी यूज हो सकता है, दोनों ही तरीके सही हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट नियम पर आते हैं। अगला नियम है हमारा, देखिए पांचवा नियम, स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब है कल्याण हो, कल्याण। स्वाहा का मतलब होता है अर्पित, मतलब किसी को वो करना, जैसे हम हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। नमा का मतलब होता है नमस्कार, और एक वर्ड है अलम, जो अभी आपका बिना के सेंस में आया था। तो ये कई सेंस में आता है, इसका मतलब इस सेंस में जो चतुर्थी विभक्ति के अंदर आएगा वो काफी या समर्थ के सेंस में आएगा। जो उधर आ रहा था बिना के सेंस में वो तृतीय विभक्ति में आएगा, और जो ये आएगा वो आपका चतुर्थी विभक्ति में आएगा। देखिए, देवों को नमस्कार, देव को नमस्कार, तो क्या बन गया चतुर्थी विभक्ति का, बालकाय है तो ये बन गया देवाय नमः। राजा का कल्याण हो, तो ये बन जाएगा निरपाय स्वस्ति। ठीक है स्टूडेंट, राम श्याम के लिए काफी है, काफी है या समर्थ है, तो ये बन जाएगा रामः श्यामाय अलम। और एक है आपका इसके सेंस में देख लेते हैं, अग्नि के लिए, अग्नि के लिए स्वाहा। तो ये बन जाएगा अग्नये स्वाहा, चतुर्थी विभक्ति में अग्नि रूप ही बनता है अग्नि का, अग्नये स्वाहा। तो इस तरीके से हमने इन चार सेंस में स्वस्ति के लिए, नमा के लिए, अलम के लिए, स्वाहा के लिए कौन सी विभक्ति यूज करी स्टूडेंट, चतुर्थी विभक्ति यूज करी। ठीक है, अगला नियम, नेक्स्ट नियम पे बढ़ते हैं हम, फिफ्थ नियम है आपका। देखिए बही, बही का मतलब होता है बाहर। बही शब्द का जब भी प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर हमें पंचमी विभक्ति लगानी है, पंचमी विभक्ति का बालक का रूप है बालकात, बालकाभ्याम, बालके भ्या। इसके लिए हमें हमेशा पंचमी विभक्ति लगाएंगे जब भी कभी बाहर का सेंस आएगा। जैसे हमने लिखा गांव के बाहर कुआं है, तो इसका बनेगा गांव के किस में ही आपकी पंचमी विभक्ति आ जाएगी, ग्रामात। अब बाहर की संस्कृत क्या आ गई, बही। कुएं की संस्कृत क्या आ गई, कूपाह। और है की संस्कृत क्या आ गई, अस्ति। गांव के बाहर कुआं है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला हम आपको कराते हैं नियम, सिक्स नियम है आपका। बहुत सारों में से किसी एक को जब हमें अच्छा बताना है तो हम वहाँ कौन सी विभक्ति का यूज करेंगे, जब बहुत सारे हैं उसमें से किसी एक को अच्छा बताएंगे तो हम षष्ठी विभक्ति, छठी विभक्ति का यूज करते हैं। षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, जैसे बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। तो देखिए सभी छात्रों में राम प्रवीण है, तो सभी छात्रों की बात कर रहा है। अब षष्ठी विभक्ति का जब हम बहुवचन लेंगे तो ये बन जाएगा, बाल का नाम से बन जाएगा छात्राणाम। छात्राणाम का मतलब हो गया सभी छात्रों में। राम की संस्कृत हो गई रामः,
ठीक है। और प्रवीण की संस्कृत प्रवीण भी हो सकती है, और शटुतम भी लिखते हैं हम, रामः शटुतम अस्ति। शटुतम आपको नहीं लिखना तो प्रवीण भी लिख सकते हैं, अस्ति। सभी छात्रों में राम प्रवीण है, ठीक स्टूडेंट। अब अगला नेक्स्ट जो लास्ट नियम आपको मैं कराने जा रही हूँ वो है आपका, देखिए सातवां नियम, साधु व असाधु शब्दों के योग में, साधु या असाधु। साधु का मतलब होता है बहुत अच्छा, असाधु का मतलब होता है जो अच्छा ना हो, के योग में हमेशा हमें जो विभक्ति यूज करनी है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सप्तमी विभक्ति का बालक का रूप है बाल के, बालकयो बालकेशु, ठीक है। तो देखिए कृष्ण माँ के प्रति साधु है, रूप याद होना बहुत जरूरी है इस टॉपिक के लिए स्टूडेंट। तो कृष्ण की संस्कृत तो कृष्ण ही रहेगी, माँ के प्रति इसके पूरे की जो रूप है माता का रूप आएगा, माता का रूप में जो सप्तमी विभक्ति का रूप आ रहा है वो आ रहा है मातृ, कृष्णा मातृ साधु अस्ति, कृष्ण माँ के प्रति साधु है। अगला एक और दे देते हैं असाधु का एग्जाम्पल, कृष्ण पिता के प्रति असाधु है, तो इसका बन जाएगा देखिए स्टूडेंट कृष्णा पित्री, क्योंकि पिता का जो पितृ का रूप है उसमें पित्री आता है सप्तमी विभक्ति में, तो पिता के प्रति की पूरी संस्कृत आ गई है, असाधु माने बुरा है तो असाधु ये आ गई और अस्ति ये आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, नेक्स्ट फिर लेकर आते हैं, थैंक यू।